अभी यही मीना सिंह जी क्या है मानपुर विधानसभा में क्षेत्र में आएगी। बहनी मैं तोर बहनी आऊँ, तोर गांव के हम अंदर बेटी आऊँ, तोर बेटी जैसे मतलब वोट देवे आओ दे 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 हाथ मार के भगाएंगे। आप कैसे भगाएंगे? हाथ मार के। कैसे भगाएंगे? हाथ मार के। जो हमारे तुम तकलीफ पर नहीं खड़ी हो सकती वो अब हमारे गांव में नहीं घुस सकती। लेकिन सुन मानपुर विधायक के नाम पर 275 की राशि का आके हिसाब कर। सुन मीना सिंह जी एक काम कर, 275 की राशि का हिसाब कर। अरे सुन मीना सिंह जी एक काम कर, 275 की राशि का हिसाब कर। सुन मीना सिंह जी एक काम कर, निकल का हिसाब कर। ये जो मंच बन रहा है ना, ये जो मंच दिख रहा है ना, इस मंच का पैसा भी जनजातियों के फंड से आया है, इसीलिए मैंने इस पे कब्जा करवाया है। पुलिस वाले भाई भी मेरी बात को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मीना सिंह को सुना दीजिएगा कि जितना मीना सिंह जी ने घोटाला किया है, रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, जितना मीना सिंह ने घोटाला, अरे रिकॉर्डिंग कर लो यार भाई, बच चुका हूँ। जितना मीना सिंह ने घोटाला किया है ना, उस घोटाले के पाई पाई का हिसाब राधे श्याम ठाकुरिया मानपुर विधानसभा से लेगा। जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होगा, जो हमारे पढ़े लिखे युवा युवती है, उनको फ्री जो है एग्जाम दिलाने की व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, गाँव की खेरोदाई मेरोदाई पंडित कल्याणदाई पाटबाबा भूमाल पेन ठाकुर पेन खिला मुठवा दादा को सेवा जोहार करता हूँ। और हमारे बांधवगढ़ के सिद्ध बाबा, हमारे भीमसन पेन, सबके चरणों में राधे श्याम ठाकुरिया का सेवा जोहार। और जिस पाली की पावन भूमि में हम बैठे हैं, ऐसी हमारी पुरखों की अमानत, पुरखों की पहचान हमारी बिलासन राई, उनके चरणों में भी सेवा जोहार पहुँचे। और इसके साथ साथ में हमारे बीच में जो शक्तियाँ आई हैं, उन शक्तियों को भी सेवा जोहार करता हूँ। और हमारे मालिक मालकिन जो यहाँ पर आज अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पे आए, बड़े दूर दराज से आए हैं, कुछ व्यवस्था थी, कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन जैसे भी हो आप यहाँ तक पहुँचे हो, आपके चरणों में भी मेरे राधे श्याम ठाकुरिया की सेवा जोहार। हमारे पुलिस प्रशासन जो दूर दूर तक खड़े हैं, कहीं देख रहे हैं, कहीं कुछ बात ना हो जाए, लेकिन मैं आपको आश्वासन दे देता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि ये मालिक मालकिन है, ये वो मधुमक्खी का छत्ता है जो रस देता है। क्या देता है? रस देता है, लेकिन किसी ने जो कंकड़ मार दिया तो उसको डस लेता है। क्या कर लेता है? डस लेता है। तो इसीलिए जो है आप बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कोई मालिक मालकिनों के बीच में घुस के जो है घुसपैठ करने की कोशिश ना करे, नहीं तो चकनाचूर हो जाएगा। ठीक है ना, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ज्ञापन की चिंता मत करो, ठीक है ना भाई। जो नौकर है, जब यहाँ का मालिक जाएगा तो उसको हमारा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या है, जंगल जमीन के मालिक हैं। और मालिक जब आता है तो जितने भी नौकर हैं जो सेवक हैं, हमारे सारे लाइन में लग जाते हैं। कल हमने कलेक्टर महोदय जी भग रही थी हमसे, हमने बोला रुको, मालिक आया है। कौन आया है? लेकिन मालिकों के मुंह से आवाज आती थी, आपके मुंह से आवाज नहीं आती। कौन आया है? हाथ खड़ा करके बताओ जरा, आज हिसाब लेने कौन आया है? आज हिसाब लेने कौन आया है? तो पीछे वाले मालिक नहीं होगा, हाथ खड़ा क्यों नहीं कर? मैं सब जगह देख लेता हूँ घूम घूम। हाँ, कौन आया है? कौन आया है? कौन आया है? गुणगान करने कौन आया है? तो ये मालिक आया है। और जब मालिक आते हैं तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये सारे हमारे क्या है, सेवा भी। क्या है? सेवा। तो वे ऑटोमेटिक सेवा में लग जाएंगे, आप उनकी चिंता मत करो। ठीक है जिला अध्यक्ष मोदी जी, धन्यवाद। दूसरी चीज, मैंने बताया था कि इस आंदोलन को क्या है, आर्थिक की कमी है, क्योंकि हमारे जो संपत्ति थी, हमारी संपत्ति में लगातार 75 सालों से 76 सालों से भाजपा कांग्रेस ने डाका डाला है और लंबा घोटाला किया है। पुलिस वाले भाई भी मेरी बात को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मीना सिंह को सुना दीजिएगा कि जितना मीना सिंह जी ने घोटाला किया है, रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, जितना मीना सिंह ने घोटाला, अरे रिकॉर्डिंग कर लो यार भाई, बच चुका हूँ।
जितना मीना सिंह ने घोटाला किया है ना, उस घोटाले के पाई पाई का हिसाब राधे श्याम ठाकुरिया मानपुर विधानसभा से लेगा। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना? क्योंकि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। हमारी पहचान को मिटाने का लगातार प्रयास चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रयास, लगातार प्रयास चल रहा है। पहले तो हमारी जमीनों को हमसे छीना गया और फिर इसके बाद हमको जो है हमारी जमीन से बेदखल किया गया। इसके साथ साथ में हमारे पुरखों ने जो इस जल जंगल जमीन के लिए जो शहादत दी थी, जो कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी के बदले जो हमको भारतीय संविधान में हक अधिकार मिले थे, हक अधिकारों को भी छीनने का प्रयास लगातार वर्तमान विधायक मीना सिंह और जो जनजातीय मंत्री उनके द्वारा में किया गया। क्योंकि मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उमरिया जिला जो है 100% जनजाति बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इस आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते पूरा उमरिया जिला किस पे आना चाहिए था? पांचवी अनुसूची क्षेत्र में। किस पे आना चाहिए था? पांचवी अनुसूची क्षेत्र में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पांचवी अनुसूची क्षेत्र में नहीं आ पाया और पांचवी अनुसूची क्षेत्र में नहीं आने के कारण हमारे जो हक अधिकार हमें जो मिलने थे वो हक अधिकार नहीं मिल पाए। और इसी तरह से जो षड्यंत्र जो है कांग्रेस के समय में भी किया गया, जो ढेवर कमेटी थी, ढेवर कमेटी के माध्यम से जो ऐसे हमारे जनजातीय क्षेत्र थे जहाँ पे हमारे आदिवासी भाइयों की बहुलता ज्यादा थी, उनको जो है पांचवें अनुसूची क्षेत्र में नहीं जोड़ा गया। लेकिन अब प्रयास यह रहेगा कि सबको जो है चुन चुन के निकालना पड़ेगा। लेकिन करने की बात नहीं है, हमारे पास में जो भारतीय संविधान के हक अधिकार है उन हक अधिकारों को हमको जानना है, जानना होगा ना। मैंने मानपुर में पहले एक आवाज की शुरुआत की थी और वहां पे आपको कुछ शिकायत है, जन आशीर्वाद यात्रा इसकी है भाजपा की और हमारे लोगों को गुमराह कर दिया कि आज नहीं कल आना है, कब आना है? आज नहीं कल आना है। और ये जो पंडाल लगेगा, एक सीट वहां लगेगी, एक सीट यहाँ लगेगी, एक सीट यहाँ लगेगी, इसको पूरा भर देना है। क्या कर देना है? इसको पूरा भर देना है। और जो हमारे हक अधिकार के पैसे से जो भाजपा लगातार अपने संगठन का प्रचार प्रसार कर रही है, मैं जरा विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचे तो हम जब विधानसभा लोकसभा तक पहुंचेंगे तो उनसे हिसाब लिया जाएगा कि आप मंत्री, आप विधायक इस देश की जनता के हैं कि भाजपा के हैं। देश की प्रश्न है कि उठता है कभी दिमाग में? उठना चाहिए ना प्रश्न। आप विधायक भारतीय संविधान के हैं कि भाजपा के विधायक हैं? संविधान के। किसके विधायक भाई? मालूम है सबको? कितने लोग के बाद दोनों हाथ खड़ा करके बताऊंगा? अरे सबको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। जब विधायक बन के जाते हैं तो भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं, जैसे माननीय सुश्री मीना सिंह जी ने लिया था कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेती हूँ कि मैं सुश्री मीना सिंह विधानसभा क्षेत्र मानपुर और मानपुर की जनता के मत से जीत के आई हूँ, मैं उनके हक अधिकारों की रक्षा करूंगी, मैं उनके मान सम्मान की रक्षा करूंगी और अपने क्षेत्र का विकास करूंगी। लेकिन उसका क्या हुआ? उल्टा हो गया। उन्होंने शायद ऐसी शपथ ली होगी कि मैं भारतीय संविधान की शपथ लेती हूँ कि मैं सुश्री मीना सिंह विधानसभा क्षेत्र मानपुर, मैं भारतीय संविधान की शपथ लेती हूँ कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का बंटाधार करूंगी, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के जो हक अधिकार के पैसे आएंगे उसपे ठेकेदारों को जो है लूट लूट कर उनको कमाई का सोर्स बनाऊंगी और मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं जनजातियों को जो है उनके जल जंगल जमीन को छीन के उनको जीने लायक नहीं बचाऊंगी। शायद ऐसा उन्होंने संकल्प लिया होगा। सही है ना? सही है तो जोरदार ताली बजाओ। ऐसे ही लिया होगा ना? यदि ऐसा नहीं लिया होगा तो मैं कैसे करती? मैं तो छीन रहा।
नहीं तो जो बस्ती विकास पैसे में बाहर विद्युतीकरण किया गया जो हर साल 500 करोड़ रुपए होता है, जो हमारे बीच में हमारे आंदोलन के सहयोग के लिए जो सहयोग मांगने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मालिक मालिकों के बीच बीच में जो है भीख मांगने में शर्म नहीं होती, क्योंकि ये आंदोलन के लिए है। और जितना भी आपका सहयोग आएगा उससे हम जो है 26 तारीख की तैयारी करेंगे, लेकिन 26 तारीख में मानपुर और पाली दोनों क्षेत्र से जो है तकरीबन हजारों लोग कहाँ पहुँचना चाहिए, उमरिया कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर जो हमने 2 बार ज्ञापन दिया उसका हिसाब लेंगे कलेक्टर साहब से। ऐसे जो प्रशासन है, ऐसी प्रशासन नहीं चाहिए, ऐसी प्रशासन नहीं चाहिए जो हमारे हक अधिकारों पर जो है लगातार डाका डाले, हमारे हक अधिकारों पर जो है लगातार चोट पे चोट करे, तो ऐसा प्रशासन हमको नहीं चाहिए। फिर हम बोलेंगे तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, कलेक्टर महोदय तुम्हारा केबिन भी बदल देंगे, ठीक है ना, क्या बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, कलेक्टर महोदय तुम्हारा केबिन भी बदल देंगे। और फिर बोलेंगे अरे सुन कलेक्टर एक काम कर, गांव में जाके काम कर, है ना, सुनो कलेक्टर साहब, सुनो कलेक्टर साहब, एक काम कर, करो गांव में जाके काम करो, गांव में जाके काम करो। लेकिन जब किसी से भी काम कराते हैं तो जोरदार आवाज आता है, तब तो काम किया जाता है, नहीं तो कहां से काम किया है। अरे नहीं मेरा। और फिर बोलेंगे सुन मीना सिंह जी एक काम कर, सुन मानपुर विधायक एक काम कर, 275 की राशि का आके हिसाब कर, सुन मीना सिंह जी एक काम कर, 275 की राशि का हिसाब कर, अरे सुन मीना सिंह जी एक काम कर, 275 की राशि का हिसाब कर, सुन मीना सिंह जी एक काम कर, तो मीना सिंह जी से जो है बाह्य विद्युतीकरण का हिसाब लेंगे। और जो बाह्य विद्युतीकरण में बस्ती विकास के मद का जो घोटाला किया गया है उनसे भी क्या लेंगे, हिसाब लेंगे। लेकिन वो हिसाब मीना सिंह अकेले जी से नहीं लिया जाएगा, उस पर हमारे सरपंच, अच्छा सरपंच कितने आए पहले हाथ खड़ा करो जरा, सरपंच कितने आए, सरपंच दलाल सरपंच, कहा है सरपंच, जनपद सदस्य कितने आए, जनपद सदस्य एक जन आए, हाथ खड़ा करो, कौन है जनपद सदस्य, है ना एक जन, कहाँ है, अब सोच लो यही वो चोर लोग हैं जो जनता के बीच में आने से डरते हैं। लेकिन अभी यही मीना सिंह जी क्या है मानपुर विधानसभा में क्षेत्र में आएगी, बहनी मैं तोर बहनी आऊ, तोर गांव में हम तोर बेटी आऊ, तोर बेटी जैसे मतलब वोट दे दे, आओ दे दे, हाथ मार के भगाएंगे, आप कैसे भगाएंगे, हाथ मार के कैसे भगाएंगे, हाथ मार के, जो हमारे तुम तकलीफ पर नहीं खड़ी हो सकती वो अब हमारे गांव में नहीं घुस सकती। लेकिन गांव में कैसे रोकोगे, मैंने मानपुर की धरती में जो है आपको सिखाया था भारतीय संविधान के मूल अधिकार 13(3) का, जोर से बोलना जरा, भूले तो नहीं, मैं सुनना चाहूंगा, भारतीय संविधान के मूल अधिकार 13(3) का, जोर से बोलना जरा, 13(3) का, 13(3) का, बाकी लोग भी बोलकर हाथ खड़ा करके बोला जरा, एक्सरसाइज कर, हाथ खड़ा करो, जितने लोग हाथ खड़ा करें समझ जाओ क्या वो जानते हैं भारतीय संविधान में आपको एक अधिकार दिया, जो नहीं हाथ खड़ा करें मैं समझ जाऊंगा कि वो नहीं जानते कि भारतीय संविधान भी आपके लिए बनाए कि नहीं बनाए, दोनों हाथ खड़ा करो जरा, हाँ जोर से बोले जरा, भारतीय संविधान का 13(3) का, 13(3) का, उसको क्या है, गुड़ी प्रथा का बल, गुड़ी प्रथा का विधि का बल, गुड़ी प्रथा का विधि का बल, तो विधानसभा ना लोकसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो ये जो सबसे बड़ी ग्राम सभा है इसकी ताकत हमने मंडला में दिखाए थे, कहाँ दिखाए थे, मंडला में, मंडला की कलेक्टर से मैंने पूछा, सुनो कलेक्टर महोदय जी आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए, ठीक है सुनिएगा, बहुत कीमती प्रश्न है, हमने बोला कि
हेलो, जो मंडला क्षेत्र है ये पांचवी अनुसूचित क्षेत्र है 244 का, है कि नहीं? बोले हाँ। दूसरा चीज कि यहाँ पर 13(3) का लागू है, भारतीय संविधान की पेशा अधिनियम के तहत 1996 की धारा 129 के तहत ग्राम सभा गठित है। बोले हाँ है ना। तो हमने फिर पूछा कि केंद्र में राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, राज्य में राज्यपाल प्रथम नागरिक होता है, तो हमारे ग्राम में प्रथम नागरिक कौन है? ग्राम का मुकर्दम। तो बोले हाँ। तो आप लोगों ने चोर जैसे जाकर सर्वे कैसे कर लिया? सर्वे कैसे कर लिया कि बसनिया बांध को बनाया जा रहा है? ऐसे ही सर्वे कहाँ किया गया था? भोपाल परियोजना। कौन सी है? अजाल लड़के हमारे ओबीसी के जिला अध्यक्ष, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। इनके गांव में भी जो है ऐसे ही एक बांध बनाकर 90% आदिवासियों की जमीनों को डुबाया जा रहा है, उनको घर से बेदखल किया जा रहा है। तकरीबन 50,000 लोग हैं। कितने लोग हैं? और सब 50,000 लोगों ने अपने गांव को संरक्षित करने के लिए मावा नाटे मावा राज, मावा नाटे मावा राज। तो मावा नाटे मावा राज मतलब मेरे गांव में मेरे शासन के तहत जो है रूढ़ी प्रथा के तहत पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बना ली ना। तो जोरदार ताली हम लोगों के लिए और अपने लिए, क्योंकि धन्यवाद, क्योंकि जब रूढ़ी प्रथा आपने स्थापित तो आपका मुढ़वा, आपका भूंगा और आपका मुकंदम आपके हाथ में आ गया। तो अब क्या करेंगे? जन आंदोलन निर्माण निधि गांव गांव में मैंने तैयार करने के लिए बोला था, लेकिन वो जन आंदोलन निर्माण निधि गांव गांव में तैयार नहीं हो पाई, तो उसको अब पुनः तैयार करेंगे। और तैयार करके जैसे हम कलेक्टर जाते तो चपरासी बैठता ना, एक तो कागज लेगा, पूछेगा भैया तुम्हारा नाम, नाम लिखेगा, फिर इसके बाद बोले कहाँ से आए, हाँ समस्या क्या है, तो कलेक्टर साहब क्या देख के आएगा? कलेक्टर साहब की इच्छा होगी तो बुलाएंगे, नहीं होगी तो ये मालिक मालकिन गेट के बाहर में बैठे रहता है कि नहीं बैठे रहता ना। तो अब हम भी जो है जैसे हमने कलेक्टर महोदय से प्रश्न पूछा तो कलेक्टर महोदय जी पूछती है कि आप कहाँ से आए, मैंने बोला सिवनी जिले से, तो हमारे बीच में सिवनी जिले के रतलाम जिले के जो भाई हम प्रश्न कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी मंडला जिलों के वासियों को, क्योंकि मैं मंडला जिले की कलेक्टर हूं, इसीलिए मैं मंडला जिलों के वालों से बताना चाहती हूं, सिवनी और रतलाम वालों से नहीं। इससे बोली सिवनी और रतलाम वालों से नहीं। तो फिर मैंने पूछा मैडम आप कहाँ से हैं? तो उसने बोली कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ। वाह, मैंने बोला बहुत अच्छी बात। तो मैंने बोला कि मैं भी जो है इस गोंडवाना भूभाग का मालिक हूँ और इस गोंडवाना भूभाग का मालिक हूँ, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। और पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा का प्रदेश संयोजक हूँ। क्या हूँ? प्रदेश संयोजक। तो पूरा मध्य प्रदेश हमारे अंडर में आता है और तुम तो मात्र एक जिले की हो, तो तुम्हारे जैसी कई कलेक्टर हमारे आसपास घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं गाँव गाँव, इसीलिए हम गर्व से बोलते हैं अरे सुन कलेक्टर एक काम कर, एसी वाले रूम को छोड़ के गाँव में जाके काम कर। अरे सुन कलेक्टर एक काम कर, एसी वाले रूम को छोड़ के जाके गाँव में काम कर, ठीक है ना? नहीं तो मानपुर में देखना जरा, मैंने 15 मिनट का समय बोला था कि 5:15 बाकी है, यदि 15 मिनट के अंदर में तुम नहीं आए तो पूरे मालिक मालकिन केबिन में घुस जाएंगे, तुम्हारे एसी रूम में कब्जा कर लेंगे, तुमको करेंगे गेट आउट, गेट से बाहर। वो ताकत है हमारे अंदर में। कहां से आई वो ताकत? क्योंकि भारतीय संविधान में जो 13(3) काम में विधि का बंध दिया हुआ है और उसके साथ साथ 244 के तहत हमें क्या दिया? स्वशासन। क्या दिया है? स्वशासन। और 275 के तहत हमको क्या दिया है? 275 के तहत हमको क्या दिया है? ST SC के लिए सब प्लान का पैसा, जो 75 और 76 सालों से जब मीना सिंह से हिसाब दिया जाएगा तो 1-1 करोड़ रुपए आएगा। कितना करोड़ रुपए आएगा? 1-1 करोड़।
तो मीना सिंह से बोल दो कि तुम्हारा 1000 लाडली बहना योजना, तुम्हारी चप्पल बांटो योजना, तुम्हारी स्कूटी बांटो योजना, ये नहीं चाहिए हमको, 1-1 करोड़ रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 1-1 करोड़ चाहिए ना। तो 1-1 करोड़ रुपए लेने के लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा? अपना खुद का विधायक बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपना खुद का विधायक बनाओगे तो ये विधानसभा में पहुंच कर इन चोरों ने जो डाका डाला है उस डाके डाले का हिसाब लेगा। क्या लेगा? हिसाब। हिसाब लेगा। ये जो मंच बन रहा है ना, ये जो मंच दिख रहा है ना, इस मंच का पैसा भी जनजातियों के फंड से आया है, इसीलिए मैंने इस पे कब्जा करवाया है। ये जो पैसा आया है कहां से आया है? जनजातियों के पास, है ना। तो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकार देश की चालक है और आदिवासी देश का मालिक है। तो हम कौन है भाई? मालिक। कौन है? मालिक। अब मालिकों के लिए इन्होंने तो कोई योजना नहीं बनाई। बनाई क्या? बनाई। मैं एक एक योजना के बारे में बताऊंगा, ठीक है? अभी हम 4 बज रहे हैं, मैं 4:30 बजे अपन यहाँ से रवानगी हो जाएंगे, ठीक है ना। तब तक आधा घंटे तक मैं आपसे क्या करूंगा, बात करूंगा। तैयार है? जोरदार ताली बजा के बताओ। पहली योजना कि जनजातियों की जमीन में बड़े बड़े बांध बनाए जाए, जनजातियों की जमीन में बांधो नेशनल पार्क बनाया जाए और जनजातियों के पिछड़वाड़े में लात मार के इनको भगा दिया जाए। ये पहली योजना थी, ठीक है। दूसरी योजना कि जनजातियों के लिए आयुष्मान कार्ड बना दिया जाए और हर साल 5 लाख रुपए जो आयुष्मान कार्ड में स्वास्थ्य के लिए मिलता है उस 5 लाख रुपए का क्या किया जाए? घोटाला किया जाए, ठीक है। तीसरी योजना है कि जो बस्ती विकास का पैसा है, जो 275 की राशि है, उस 275 की राशि का लगातार क्या किया जाए? घोटाला किया जाए और हमारे क्षेत्र में ठेकेदारों को बुलाकर हमारे जल जंगल जमीन का सौदा करके उनको लाभ पहुंचाया जाए। हो रहा है ना सर? और हमारे क्षेत्र में जो है ऐसी की तैसी बजाने में प्रशासन प्रशासन डरते क्या? प्रशासन इंतजार करेगा वो। कौन है? कौन है? बात करा जरा बराबर। संबोधित किया जाएगा, तुम बाहर संबोधित किया जाएगा। पैसे वालों का प्रचार चल रहा है, किसके पैसे से? हिसाब कौन लेगा? छीन लेना साले को, ठीक है ना। गांव में गाड़ी घुसती है छीन लेना, गांव में पैसे बांटते तो पैसे भी छीन लेना और अपने जन आंदोलन निर्माण निधि को बढ़ा लेना। एक कहना मीना सिंह कहना से पत्नी ने 1 करोड़ रुपए दे हमारे गांव का। अब हमारे बोर्ड की कीमत कितनी है? अरे कितनी है भाई? अरे कितनी है भाई? अब 500 रुपए में बिकना बंद कर दो, 1000 रुपए में बिकना बंद कर दो और जो उनके खरीदने वाले आएंगे ना उनको बंद कमरे में ऐसे करके तरिया उतार के तेज तना कर। क्या कह सकेंगे? भाजपा कांग्रेस का प्रचार हमारे गांव में नहीं चलेगा। अब हमारे गांव में क्या चलेगा? तेज तना कर चलेगा। करोगे ना? पक्का? जोर से बोलेगा बोल गुलाल जिंदाबाद, बोल गुलाल जिंदाबाद, बोल गुलाल जिंदाबाद, बुलबुलान को जिंदा रखना। लेकिन मैं आपके लिए कुछ ऑफर कुछ सौगात लेके आया जिसको हम हकार कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम जो है ज्ञापन लेने चलेंगे, है ना। तो मैंने भी कुछ बनाने की इच्छा जाहिर की है, उसको बताऊंगा मैं और उसके माध्यम से, क्योंकि मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मैं मेरे जिला अध्यक्ष पे भरोसा नहीं करता, ठीक है, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष पे भरोसा नहीं करता और मेरे जितने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता उनसे भी भरोसा नहीं कर सकता। ये मेरे से लगातार बोल रहे हैं कि ककोड़िया साहब आप कानपुर से विधानसभा चुनाव लड़ो,
मीना सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ो, ठीक है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि भाई यदि मैं चुनाव लड़ूंगा आप लोग का समर्थन मिलेगा कि नहीं? जोरदार हाथ खड़ा करके, कौन हाथ खड़ा करके बता रहे हैं कितने लोगों का समर्थन? पक्का? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मेरे पास में पैसे नहीं, अभी तो मैं भीख मांग रहा हूँ कार्यक्रम के लिए। तो चुनाव में मीना सिंह के खिलाफ में 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कैसे खर्चा कर पाऊंगा? सही है नहीं? तुम पैसा तो नहीं बांट पाऊंगा, तो मेरे को वोट दोगे? फिर घूमने प्रचार प्रसार करने के लिए फंड दोगे? पक्का? तो लड़ोगे चुनाव ना? अब यदि वोट वाला गर्दन पार्टी टिकट दे चाहे ना दे, राधे श्याम कंगोड़ी और निर्दलीय लड़ेगा, लेकिन आपके लिए मानपुर से विधानसभा चुनाव पक्का, मेरा 100% कमिटमेंट। जैसे भी हो कानपुर से हम चुनाव लड़ेंगे, और मैं नहीं लड़ रहा चुनाव, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जब आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो आप लोगों के लिए मैं कुछ काम बनाया हूँ, उस काम को बताता हूँ। नंबर एक, प्रदेश में निशुल्क एक समान शिक्षा। जो हमारे बच्चे हैं आज मेरे मालिक मालकिन यहाँ पे जो बैठे हैं, जो मेरे पाली विधान पाली विकासखंड क्षेत्र के जितने भी मेरे समान नगर के भाई भी हैं, बहन हैं, बंधु हैं, जितने भी मतदाता हैं, क्या वो गर्व से बोल सकते हैं कि उनका बच्चा पढ़ा होकर कलेक्टर बनेगा? कोई बोल सकता है? कोई गर्व से बोल सकता है कि उसका बेटा बड़ा हो गया एसपी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, कोई भी सरकारी नौकरी में आएगा, ऐसा बोल सकता है क्या? बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता ना? तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो हम अपने लिए क्या काम करेंगे कि निशुल्क एक समान शिक्षा, प्राइवेट स्कूल टोटल बंद। विधानसभा में मैं लड़ाई लड़ूंगा, आप लोग सड़क में लड़ाई लड़ेंगे, एक लड़ाई सड़क में लड़ी जाएगी, एक लड़ाई विधानसभा में लड़ी जाएगी, और एक लड़ाई लोकसभा में जाके भी लड़ेंगे, तब जाके इस व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के सभी वर्ग समुदायों को निःशुल्क शिक्षा, एक समान शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही पाठ्यक्रम में बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए छठवीं से कौशल विकास के विषय पाठ्यक्रम में जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए हर ग्राम पंचायत में पुस्तकालय, गांव में हमारे ग्राम पंचायत में क्या बनाएंगे? पुस्तकालय, लाइब्रेरी तैयार करवाएंगे, ठीक है। और प्रयोगशाला को संचालित किया जाएगा, एक गोठुल बनाकर वहां पे गोठुल प्रयोगशाला बनाया जाएगा कि आपको खेती के काम सिखाए जाएं, आपको वेल्डिंग के काम सिखाए जाएं, आपको बिल्डिंग बनाने के काम सिखाए जाएं, आपको जो है कंप्यूटर सुधारने के काम सिखाए जाएं, आपको मोबाइल सुधारने के काम सिखाए जाएं, तमाम जो तकनीकी चीज है वो छठवीं क्लास से हम चालू कर देंगे। तो 10वीं 12वीं तक आने वाला हमारा बच्चा कैसा हो जाएगा? हुनरबाज। कैसा हो जाएगा? हुनरबाज। संगीत की शिक्षा देंगे, वहां पे वाद्य की शिक्षा देंगे, वहां पे जो है जो जो काम वहां कर सकता है वो सभी क्षेत्रों में उनको क्या करेंगे? पारंगत करने का काम किया जाएगा। दूसरा, सभी प्रदेश के बेरोजगारों के हाथ में काम दिया जाएगा। सभी बेरोजगार हैं ना, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, घर छोड़ के शहर जाना पड़ रहा है, घर छोड़ के आपको कहाँ जाना पड़ रहा है? नागपुर जाना पड़ रहा है, घर छोड़ के भोपाल जाना पड़ रहा है। तो ऐसी अवस्था ना आए इसके लिए भी हमने कुछ प्रावधान किया गया है। प्रत्येक परिवार में 3 वयस्क सदस्यों को 5 एकड़ मतलब 2 हेक्टेयर कृषि कार्य को मनरेगा नरेगा से जोड़ते हुए 250 रुपए प्रतिदिन के रोजगार से जोड़ते हुए भुगतान किया जाएगा, जिससे एक दिन में कितने लोगों को? परिवार के 3 लोगों को। तो कितना पैसा हो जाएगा एक दिन में? 750 रुपए, 30 दिन में 25,000 एवं 10 माह में 2,50,000 का मालिकाना हक के तौर में रोजगार की सौगात प्रदेश के मतदाता को दिया जाएगा।
एवं शासकीय न्यूनतम समर्थन मूल्य से कृषि उपज की खरीदी कर समय पर भुगतान किया जाएगा। मतलब मेरे जो 5 एकड़ का किसान है, यदि वो खेती मखरोनी करता है तो उसका पैसा भी नरेगा से देंगे, बोनी करता है तो उसका भी पैसा नरेगा से देंगे, निराई करता है तो उसका ही पैसा नरेगा से देंगे, सिंचाई करता है तो उसका ही पैसा नरेगा से देंगे, कटाई करता है तो उसका ही पैसा नरेगा से देंगे, अपने खेत के पत्थर भी फेंकता है तो उसका पैसा नरेगा मनरेगा से दिया जाएगा। इस तरह से हर हाथ को काम करता जाएगा। अब तीसरी व्यवस्था, गौरवान पार्टी की सरकार बनने पर सभी शिक्षित बेरोजगार युवा युवतियों के लिए प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह से निशुल्क किया जाएगा। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान हमारे मामा बोले जाने वाले, लाडली बहना योजना देने वाले, तमाम तरह के घोटाला करने वाले हैं, जो अभी पटवारी परीक्षा में 300 करोड़ का घोटाला किया, कितने करोड़ का, 300 करोड़ का घोटाला, और हर साल जो है एग्जाम के निकाल निकाल के कहीं 250 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए फी और किराया भाड़ा लगाकर पेपर लेने जाने वाले हमारे पढ़े लिखे युवाओं को कैसे किया, लूटा है। क्या किया है, जोर से आवाज आ जाए, क्या किया है, इना सिंह ने क्या किया है, तो ऐसी लूट को जो है बंद किया जाएगा। जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होगा, जो हमारे पढ़े लिखे युवा युवती हैं, उनको फ्री जो है एग्जाम दिलाने की व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, चौथी व्यवस्था, प्रदेश में सभी वर्ग समुदायों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, गांव के प्रत्येक नागरिकों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में पैथोलॉजी लैब की सुविधा उपलब्ध कराकर निशुल्क स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी, किसी भी प्रकार के रोग का पता लगने पर प्रत्येक जनपद क्षेत्र में एक MBBS डॉक्टर की उपलब्धता कराकर एक एवं दवा एवं उपचार निशुल्क प्रदान किया जाएगा। कोई आयुष्मान कार्ड की जरूरत, क्योंकि देश का सबसे बड़ा घोटाला कौन सा है, आयुष्मान कार्ड कौन सा है, अरे कौन सा है, कौन सा है, हमारे स्वास्थ्य का घोटाला। ठीक है, तो इन घोटालेबाजों को भी क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। और पालतू पशुओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, प्रत्येक जनपद सदस्य क्षेत्र में पशु चिकित्सालय औषधालय की व्यवस्था करके सभी तरह के रोगों की जांच कर निशुल्क दवा उपलब्ध किया जाएगा। शासकीय चारागाह जमीन पर आवारा पशुओं के लिए प्रत्येक ग्राम में सुविधा युक्त कांजी हाउस की व्यवस्था की जाएगी, और सभी किसानों को बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन के माध्यम से दूध क्रांति से जोड़ा जाएगा, और जब उससे गोबर निकलेगा तो गोबर के माध्यम से हम आयुर्वेदिक खेती करेंगे, जहर मुक्त खेती करेंगे, यूरिया DAP टोटल, विदेशी दवाइयां टोटल, तो ये सारे काम आपके क्षेत्र में किए जाएंगे। छठवा, किसान के हर खेत को सिंचाई के लिए निशुल्क बिजली पानी की सुविधा। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बना हुआ है, संजय गांधी विद्युत ताप परियोजना। विद्युत बिजली कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, बन कहाँ रही है, वरिया बन कहाँ रही है, पाली, अरे पाली में। तो भाई जब घर में बिजली पैदा हो रही है, घर में खाना बन रहा है, और लेकिन घर वाला भूखा है, पड़ोस में जाके खिला रहे हो, तो ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। संजय विद्युत ताप परियोजना जो चल रही है, उस परियोजना में जो ठेकेदार हैं, बाहर के ठेकेदार हैं, उनको भी अब जूता मार के भगाया जाएगा। जो हमारे उस संजय गांधी विद्युत ताप में जो हमारे जनजाति भाइयों के STSC OBC चाहे सामान्य वर्ग का हो, जिनकी जिनकी जमीन दबी हुई है उस पे, उनको यदि रोजगार नहीं दिया तो उस परियोजना को भी बंद किया जाएगा। होना साथ में पक्का,
देखो मीना सिंह इसीलिए नहीं करती क्योंकि मीना सिंह को हिस्सेदारी जाती कितने जाती है परसेंटेज, चाहे वो बाह्य विद्युतीकरण हो वहाँ पे भी परसेंटेज, संजय विद्युत परियोजना से भी परसेंटेज, बांधवगढ़ से भी परसेंटेज, रेत खदान से भी परसेंटेज, हमारी नदियों से रेत निकाल रही वहाँ पे भी परसेंटेज। अरे इतना पैसा लेके कहाँ जाओगी, कहाँ जाओगी मीना सिंह जी इतना पैसा लेके, कहीं जाना है क्या, कहाँ ऊपर पैसा लेके कैसे जाएंगे बताओ। अरे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, बंद मुट्ठी करके आए थे और खुली मुट्ठी करके जाएंगे, ये हमारी योजना रहेगी। ठीक का फ्री का लेना बंद करना। अब मैं प्रयास करूंगा कि जो हमारे मालिक मालकिन है जो अपने गांव में फ्री का राशन लेते तो फ्री का राशन लेना, फ्री का राशन लेना, फ्री का 1,000 रुपए लेना, वोट के लिए 500,000 रुपए लेना, अपने वोट की कीमत पहचानो। आपके वोट की कीमत 1-1 करोड़ रुपए कितनी है, 1-1 करोड़ कितनी है, 1-1 करोड़ है। फिर इसके बाद में अब हम सिंचाई कैसे देंगे, ना तो हम आदिवासी भाइयों की जमीन को डुबाया जाएगा, ना आदिवासी भाइयों की जमीन को डुबाया जाएगा, ना उनको अपनी जमीन से विस्थापित किया जाएगा। हम कैसे योजना बनाएंगे, हम भी तो योजना बनाएंगे ना, नहीं बनाएंगे, बनाएंगे ना। तो हम तो है प्रदेश के किसानों के लिए निशुल्क सिंचाई के लिए पानी एवं बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें हर क्षेत्रों का भौगोलिक सर्वेक्षण कराकर प्रत्येक गांव में बिजली पानी की व्यवस्था, प्रत्येक नदी नालों में 5 किलोमीटर की दूरी में स्टाफ डैम का निर्माण कर बिजली उपलब्ध करे एवं बड़ी बड़ी मोटर लगाकर पानी को लिफ्ट कर 5 एकड़ में से 1 एकड़ कृषि जमीन में खेत तालाब की निर्माण कार्य कराकर पानी को लिफ्ट कर तालाब को भरा जाएगा एवं उस तालाब में मत्स्य पालन कराकर, सिंगाड़ा पालन कराकर, झींगा पालन कराकर आपको तालाब से भी पैसा कमाया जाएगा। ऐसी योजना बनाई गई इन्होंने, भगाने की योजना बनाते हैं। ठीक है, सातवां है आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने पर एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक सांसद बनाने पर ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई किया जाएगा, गांव के किसानों और मतदाताओं को अपनी समस्या को लेकर जिला विकास खंड जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। जिला विकास खंड जाने की जरूरत नहीं रहेगी, सशक्त न्याय व्यवस्था बनाई जाएगी। अब क्या होता है, हमने कोई मामला केस में डाला, कहाँ डाला, कोर्ट में डाला, न्यायालय में डाला, तो वो न्यायालय का फैसला कब आता है, जब घर से मट्टी उड़ जाती है 10-20 साल बाद, जिसकी हमको जरूरत नहीं है। अरे जिसकी हमको जरूरत नहीं है, मर गए, मरने के बाद में न्याय हुआ तो वो कोई न्याय है क्या, तो ऐसी लचर व्यवस्था का क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। तो उसके लिए क्या है, हम मावा नाटे मावा राज के तहत जो है, ठीक है, अपने ग्राम में क्या बनाएंगे, रूढ़ी प्रथा, विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में हम फैसले को तुड़वाएंगे और उसकी कॉपी हम भेज देंगे कहाँ पे, न्यायालय में। ठीक है ना। आठवां है, पांचवी अनुसूची मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी, जिन ब्लॉकों में जिलों को ढेबर कमेटी की सिफारिश के पश्चात, जिनको आप आग्रह कर दीजिए कि मालिक मालकिन बस जो है कुछ ही देरों बाद निकलेंगे तो उनका इंतजार करेंगे। यहाँ के जो मालिक है, किसान भाई, हमारे मतदाता जो आपको अपने टैक्स के माध्यम से आपको जो सैलरी दे रहे हैं, इसीलिए मैं इनको मालिक मालकिन बोल रहा हूँ। तो आप एक काम करो, पुलिस भेज दो, यहाँ पे भेज दो, पुलिस भेज दो, मेरे को चमकाने की जरूरत नहीं है, समझे ना। अरे गाड़ी की परमिशन तुम्हारी, तो यहाँ पे कलेक्टर को ज्यादा मेरे को ध्यान नहीं देना, समझे ना।
अभी कर रहे हैं कार्यालय में पढ़ाई करते सारे तो पांचवी अनुसूची क्षेत्र का बता दिया ना कि आप क्या हो मालिक मालकिन हो आप रूढ़ी प्रथा स्थापित करो ये जो नौकर है जो सेवक है ना जो परमिशन की बात कर रहे हैं ये मालिक मालकिन परमिशन ले रहे हैं इनसे मिलने के लिए जिसकी जितनी संख्या भारी जिसकी जितनी संख्या भारी अरे कितने मामले बनाओगे बना दो राधे श्याम का बोलिए कहीं डरता चला लो गोलियां कितनी गोलियां तुम्हारी बारूद के अंदर में तुम्हारी बंदूक के अंदर में ये सीना सब गोलियों को सहन कर सकता है यह हमने सीना इसको मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनने में गोंडी भाषा भीली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा एवं विद्यालयों में मूल निवासियों के महापुरुषों को पढ़ाया जाएगा गोंडी भाषा भीली भाषा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा साथ ही जनजाति इलाकों में गोठुल पाठशाला खोली जाएगी आदिवासी को हेतु संस्कृति को संरक्षित किया जाएगा आदिवासी जनजातियों की रूढ़ी प्रथागत प्राचीन समय से स्थापित पैनठानों का जीर्णोद्धार कर घुमकाओं एवं मुठवाओं की नियुक्ति किया जाएगा एवं पुरातन ऐतिहासिक स्मारकों महलों बाबड़ियों गढ़ किलों को पुनः पुरातन वैभवशाली बनाया जाएगा गौरवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनने पर स्थानीय लोगों को व्यापार क्या मिलेगा आपको व्यवसाय एवं उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण उपरांत साधन संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे समस्त प्रकार के स्थानीय ठेकों में जनसंख्या के अनुपात में काम दिया जाएगा बाहर का ठेकेदार नहीं चलेगा बाहर का ठेकेदार नहीं चलेगा बारवा है पृथक गोंडवाना राज्य की स्थापना की जाएगी जिसमें मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जिलों को शामिल किया जाएगा अब हम यदि यहाँ से विधायक जीत के जाते हैं तो गोंडवाना राज्य की मांग करेंगे किसकी मांग करेंगे मावा नाटे फिर इसके बाद में कर सुरक्षा नार गांव सुरक्षा प्रदान व्यवस्था प्रदेश में प्रत्येक नार गांव में प्रवेश द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था रूढ़िगत प्रथा ग्राम सभा एवं पेशा एक्ट ग्राम सभाओं के क्षेत्र अनुसार व्यवस्था की जाएगी जिसके लिए चौकीदार नियुक्त किया जाएगा जिससे स्मार्ट गांव एवं आदर्श ग्राम की परिकल्पना को साकार किया जाएगा अब हमारे गांव में कोई प्रवेश करेगा तो पहले गांव में एंट्री करेगा और गांव के मुकद्दम से परमिशन लेगा कि भाई हम आपके गांव में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते ठीक है ना चलेगा